तो दोस्तों पावर रेंजर्स का यूनिवर्स कितना बड़ा है ये तो हम सभी को पता है, और इसी वजह से पावर रेंजर्स के अंदर अच्छे और बुरे सभी मिलाकर एक से ज़्यादा मेजर कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन मेजर कैरेक्टर्स के अलावा पावर रेंजर्स के अंदर कुछ साइड कैरेक्टर्स भी देखे जा सकते हैं जो अपने मोटिव्स को लेकर ना तो पावर रेंजर्स की तरह सीरियस होते हैं और ना ही विलन्स की तरह डार्क और ब्रूटल, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर्स पावर रेंजर्स के अंदर एक कॉमेडिक रिलीफ देने का काम करते हैं, और इसी वजह से इन कैरेक्टर्स को नज़रअंदाज कर पाना हम फैंस के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल सिविल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 पावर रेंजर कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, बूम, पावर रेंजर्स एसपीडी। बूम एसपीडी का चीफ गैजेट टेस्टर था जिसकी कमाल की इन्वेंशंस और अजीब अजीब हरकतें शो के अंदर एक ओकेशनल ह्यूमर ऐड करने का काम करती थी। नंबर 9, बेन एंड बेटी, पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स। बेन और बेटी दो जुड़वा भाई बहन थे जो ग्रेट बैटल फोर्स के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, और इन दोनों को ही चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था, और इनका यही शौक इन्हें कभी कभी मुसीबतों में भी डाल देता था जिसकी वजह से हमें कुछ बहुत ही फनी सीन्स देखने को मिलते थे। नंबर 8, फ्लिट, पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी। फ्लिट एक ज़माने में कमील का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन कमील के शराब की वजह से फ्लिट कमील के पेट में कैद होकर रह गया, और अब वो सिर्फ मेगाजॉड बैटल्स के दौरान ही कमील के पेट से बाहर आता था, और उसकी अनबायस्ड फनी कमेंट्री हमें हंसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। नंबर 7, टोबी स्लैमब्रुक, पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। टोबी म्यूजिक स्टोर रॉकपोरियम का मालिक था जहां पर मिस्टिक फोर्स पावर रेंजर्स काम किया करते थे, और पावर रेंजर्स की हरकतों की वजह से ही टोबी स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गया था। मिसाल के तौर पर जब उसने रेंजर्स को रॉकपोरियम के सामने वाले पेड़ के अंदर से निकलते हुए देखा तो वो अपना सर भी उस पेड़ पर पटकने लग गया, और तो और एक बार तो उसे नेक्रोलाइन ने भी गेटकीपर समझकर अगवा कर लिया था। नंबर 6, मारा एंड कैप्री, पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। मारा और कैप्री स्पेस निंजा लुथौर की भांजियां थी, और वो हमेशा अपने आप को लुथौर की नज़र में बुरा और बहुत बुरा साबित करने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन अपनी इसी कोशिश में वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती थी जिस वजह से लुथौर उनसे हमेशा परेशान रहता था। मिसाल के तौर पर ब्लू रेंजर टोरी से टर्टल मेस के बदले डिजाइनर कपड़े ले आना, अपने दोस्तों को लुथौर के शिप में बुलाकर पार्टी करना, और भी बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करना। नंबर 5, नॉर्क, पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव। नॉर्ग एक येटी था जो नॉर्थ पोल पर एक बर्फीली गुफा के अंदर रहता था जिसे फ्लोरियस ने अपना अड्डा बना लिया था। नॉर्ग फ्लोरियस को अपना दोस्त मानता था और हमेशा उसके दिल में अपने लिए इज्जत कमाने की कोशिश करता था बिना ये समझे कि उसके इरादे कितने बुरे हैं, लेकिन इसके बाद भी नॉर्ग को समय समय पर टाइजॉन, मैक और दूसरे रेंजर्स की मदद करते हुए देखा गया था। नंबर 4, कैसिडी एंड डेविन, पावर रेंजर्स डायनो थंडर। कैसिडी और डेविन रीसेट हाई स्कूल के न्यूज स्टेशन के रिपोर्टर और कैमरामैन थे जो हर एपिसोड में किसी न किसी डम सिचुएशन के अंदर फंस जाते थे। मिसाल के तौर पर एक रेडियो एक्टिव मेटोराइट के संपर्क में आके पर्सनैलिटी चेंज हो जाना, एक कॉपी मॉन्स्टर द्वारा कैसिडी के चार चार क्लोन्स बना देना, कभी कैसिडी का अचानक डिप्रेशन में चले जाना, तो कभी कैसिडी का एक इजिप्शियन राजा की रानी बन जाना, और ये सभी चीज़ें इन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फनी बनाती हैं। नंबर 3, फिनियस, पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। फिनियस ब्रायरवुड शहर के जंगल का बाशिंदा था जिसके अंदर एक गॉबलिन और ट्रोल दोनों की क्वालिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी फिनियस को ना तो गॉबलिन्स पसंद करते थे और ना ही ट्रोल्स। फिनियस की अजीब अजीब हरकतों ने हमें कई बार हंसाया है, फिर चाहे बात करें फिनियस का फायरहार्ट के सामने अजीब सा डांस करने की, या फिर टोबी को ये बताने की कि उसकी घनी दाढ़ी उसके चेहरे पर उसके बचपन से ही मौजूद है और वह दाढ़ी के साथ ही पैदा हुआ था। नंबर 2, पिगी, पावर रेंजर्स एसपीडी। ये एक डबल एजेंट था जो एसपीडी रेंजर्स और एम्परर ग्रम दोनों को ही खुफिया इन्फॉर्मेशन देने का काम करता था। आगे चलकर पिगी की लॉटरी लगी और उसने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया जहां उसने अपने कस्टमर्स को गटर का पानी, सड़ा हुआ खाना और वो सारी चीज़ें खिलाई जो उसे पसंद थी। सच कहें तो पिगी को कॉमेडी करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसका ओवरऑल अपीयरेंस और उसका बोलने का तरीका ही काफ़ी था हमें हंसाने के लिए। नंबर 1 पर जाने से पहले हम आपको कुछ ऑनरेबल मेंशंस दिखाना चाहेंगे। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह तो नहीं बना सके, लेकिन फिर भी इनका अपीयरेंस अपने आप में काफ़ी ह्यूमरस और फनी था। ऑनरेबल मेंशंस में हमारे पास हैं पावर ऑपरेशन ओवर ड्राइव से स्पेंसर, पावर जंगल फ्यूरी से फ्रैन, पावर मिस्टिक फोर्स से जेनजी और पावर मेगा फोर्स से अर्नी। और अब हम चलते हैं पावर यूनिवर्स के सबसे लेजेंडरी कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स की तरफ। नंबर 1, बल्क एंड स्कल। दोस्तों बल्क और स्कल वो लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो हमें 5 से भी ज़्यादा पावर रेंजर्स में दिख चुके हैं, और इन दोनों ने हमें हंसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा गजब की है, और समय समय पर हंसाने के साथ साथ इन्होंने हमें कभी कभी इमोशनल भी किया है, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि पहले रैंक का इनसे बड़ा दावेदार तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स इन पावर रेंजर्स यूनिवर्स। जाने से पहले आपके फेवरेट कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स कौन हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।